हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज नीतीश वर्मा आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस का जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस उसके सारे जो टॉपिक्स वो मैं आपके लिए कवर करूंगा ठीक है तो देखो आगे के लेक्चर्स में तो हम जो चैप्टर है आपके यूनिट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे करेंगे कि बेसिकली आपके पास क्या क्या सिलेबस है क्या क्या आपका कोर्स कंटेंट है उसके ऊपर लेक्चर्स लेंगे बट आज के लेक्चर में हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस पूरा है उसमें कितनी यूनिट्स हैं और हर पर्टिकुलर जो यूनिट आपके पास है उसकी वेटेज कितनी है ओके okay? एंड किस अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करेंगे क्या टॉपिक्स हैं क्या सब टॉपिक्स रहेंगे तो जस्ट एक ओवरव्यू चलो देखो सबसे पहले कोर्स कंटेंट की अगर बात की जाए तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास कोर्स कंटेंट में कितनी यूनिट है पांच यूनिट है पहला इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस जो आप लोग को ऑलरेडी पता है इंट्रोडक्शन का मतलब है कि वो बेसिक फ्रेमवर्क बताएंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं क्या फायदे हो सकते हैं क्या नुकसान हो सकते हैं तो ये बातें जो कि अगर मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटेज की बात करूँ तो फिफ्टीन परसेंट का है नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट जिसमें अभी हम सब टॉपिक्स की बात करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलू तो आप अगर कोई भी बिजनेस अपनी कंट्री के बाहर करने जा रहे हैं तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं क्या चीजें ध्यान में रखी जाएंगी इंटरनेशनल बिजनेस जो कि आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट पोर्शन है 25 है सबसे ज्यादा ट्रेड है, है? है क्या ट्वेंटी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसके बारे में बात करेंगे जो कि ट्वेंटी परसेंट का है एंड देन लास्ट हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस ये ट्वेंटी मार्क्स ट्वेंटी सॉरी राइट right? तो ये पांच यूनिट है और ये वेटेज है अब जरा वन बाय वन ये जो हमने यूनिट पढ़े इनके सब टॉपिक क्या है तो देखो यूनिट वन में जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसमें हमें पहले समझना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है आई होप आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो क्योंकि आप कॉमर्स के हैं तो आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा जिसमें आपने ग्लोबलाइजेशन फॉर श्योर पढ़ा होगा और नहीं भी तो टेंथ स्टैंडर्ड में भी आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया जाता है लाइक like, जब कंट्रीज अपनी बाउंड्रीज को बाकी दूसरे कंट्रीज के लिए ओपन करती है सो so दैट आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर सके दैट इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस

क्लास के बिजनेस स्टडीज रिकॉल करो उसमें आप एक टॉप पूरा चैप्टर अपने बिजनेस एनवायरमेंट नाम से पढ़ा था जिसमें आप ये पढ़ते थे कि एक बिजनेस के पांच एनवायरमेंट होते हैं जो बिजनेस को एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं अगर मैं थोड़ा बहुत आपको रिकॉल कराऊं तो स्लेप्ट वॉट इज स्लैप्ट सोशल लीगल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल जिससे केस स्टडीज भी आती थी आपके पास तो ये हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो कौन कौन से और क्या रोल प्ले करेंगे हमारे बिजनेस में राइट जैसे कि इसमें कुछ दे रखा है कि पॉलिटिकल सिस्टम देखना पड़ेगा लीगल सिस्टम देखना पड़ेगा कल्चरल इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा राइट ओके नेक्स्ट है यूनिट थ्री इट इज इंटरनेशनल ट्रेड अब इंटरनेशनल ट्रेड है क्या

तो बहुत बार इनसे आने वाले क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में दिखाई देंगे बहुत बार तो ये भी आपको समझना है राइट तो इनपे हम अपना स्पेशल फोकस करेंगे ठीक है नेक्स्ट यूनिट फोर में हमारे पास है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि देखो आपने सुना होगा कभी सार्क आसियान है ना साउथ ईस्ट एशियन कम जो कंट्रीज हैं वो है ना ऐसे करके ना बहुत सारे रीजनल ग्रुपिंग्स हो रखी हैं कि तुम इस रीजन ब्रिक्स समिट सुना होगा आपने जी ट्वेंटी समिट इंडिया में 2023 में ही हुआ था तो इसका तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे अरेंजमेंट थी तो सुना ही होगा आपने तो ये सारी चीजें कि ये कैसे ग्रुपिंग्स क्यों बनती हैं कैसे ग्रुपिंग बनाई जाती हैं इनके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है तो ये सारी चीजें और जैसे वर्ल्ड अपने कभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनाओ वर्ल्ड बैंक का नाम सुनाओ आई एम का नाम सुनाओ ये क्या रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यूनिट फोर के अंदर ठीक है एंड लास्ट हमारे पास जैसा कि था यूनिट फाइव जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंस मतलब कौन कौन से तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस को फंड कर सकते हो मतलब क्या क्या तरीके रहेंगे राइट right? अब आपको पता है है आप डोमेस्टिक डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हो तो में आपने लोन ले लिया, से पैसा ले लिया लिया रिलेटिव से पैसा ना इसके अलावा स्टॉक मार्केट में चले गए अब आप लोन अगर अपनी कंपनी के लिए यूएस में जाके लेना चाहते हो तो यूएस में आपकी तो आइडेंटिटी ही नहीं है तो वैसे में अगर लोन लेना है या किसी बिजनेस के साथ पार्टनरशिप में जाना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो क्या रहने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के तो ओवरऑल ये पांच यूनिट आपको एक डिटेल ब्रीफ बिल्कुल नहीं बोलूंगा एक डिटेल्ड पिक्चर बताएंगी कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं चाहे वो गूगल हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे वो टाटा कंपनी हो चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो चाहे वो टेस्ला हो है ना ये सारे के सारे इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए ये किस तरीके से दूसरी कंट्रीज में जाकर के उनकी गवर्नमेंट्स को उनके लोगों को अप्रोच करते हैं ताकि उनको वहां पे लैंड मिले वहां पे उनको फंडिंग का प्रॉब्लम ना आए उनको बाकी तरह के लेबर रिसोर्सेज और पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो सब चीजें मिले तो हम इन पांच यूनिट्स के थ्रू एक ओवरऑल आइडिया समझेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे किया ओके सो कीपिंग दैट टिल I just hope, आप सारी वीडियोस को देखना ढंग से देखना एक एक चीज को पहले हम अपना क्या करेंगे सारे चैप्टर्स कवर करेंगे एंड देन लेटर ऑन मैथ्स वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टेन इयर्स के अंदर रिपीटेड बेसिस पे सबसे ज्यादा बार आए हुए हैं सबसे पहले मैं उनको कवर करूंगा तो इस तरीके से ओवरऑल चैप्टर्स एंड आपका जो क्वेश्चन पोर्शन है वो हम कवर करेंगे ठीक है आई सोन से क्या?